बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैकडोनल्ड स्टाइल में हैश ब्राउन। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें इसमें डलती हैं और बहुत झटपट ये बन जाते हैं। तो चलें सबसे पहले इसमें डलने वाली चीज़ें आप नोट कर लें। मैंने इसके लिए लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू और उनको मैंने पील करके एक बाउल में ठंडा पानी लिया और उसमें डिप कर दिया। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर उसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर, 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा चावलों का आटा या चावलों का पाउडर, 2 बड़े चम्मच या 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप जाएगी उसमें चेडर चीज़ और ये थोड़ी सी गाजरें और शिमला मिर्चें 1-1 चम्मच के बराबर, बहुत ही टाइनी साइज़ में मैंने उनको काटा है और इनको मैं अंदर डालूंगी। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले इन तमाम आलुओं को जो हमने पानी में, ठंडे पानी में डिप करके रखे थे, इनको हम ग्रेट कर लेंगे 1-1 करके। हम इसी पानी में इसको ग्रेट करेंगे। ये देखें, ये इसमें इस तरह से लंबे लंबे हमने ग्रेट करने हैं यानी कश करने हैं और इसी तरह से हम बाकी आलुओं को भी इसी तरह से कश कर लेंगे। सारे आलुओं को हमने कश कर लिया है ठंडे पानी के अंदर। अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से ठंडे पानी में छोड़ देंगे। 10 मिनट तक ठंडे पानी में आलू डिप रहे, इसके बाद इनको हम इसमें से अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे और एक अलहदा बाउल में रख देंगे। सारे कश किए हुए आलू हमने एक अलहदा बाउल में निकाल लिए और ये जो पानी है इसको हम गिरा देंगे और इसी बाउल में हम दोबारा से नया ठंडा पानी डालेंगे और आलुओं को फिर से इसमें डिप करेंगे। बाउल में दोबारा से हमने ठंडा पानी लिया और ये सारे कश किए हुए आलू हम फिर से इसमें डाल देंगे और इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा इस पानी में छोड़ देंगे ताकि आलुओं का जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से सारा निकल जाए। 5 मिनट तक आलुओं को दोबारा ठंडे पानी में डिप करने के बाद अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे बड़े साइज़ का, उसको एक बाउल के ऊपर रखेंगे और इन तमाम आलुओं को हम निकाल कर उसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से इनका सारा पानी ड्रेन हो जाए। ऐसे इसी तरह से हम सारे आलू निकाल देंगे। आलूओं को हमने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है। ये मज़ीद हम 10 मिनट तक इसको रखेंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आलूओं का पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी या मेल्टेड बटर, 1/2 कप हम डाल देंगे आलू। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम मीडियम हीट पर पलटते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इनका जो पानी है आलूओं का वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हीट को आपने ना तो बहुत स्लो रखना है और ना ही हीट को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है, बस मीडियम हीट पर आपने 5-6 मिनट तक इसको यूँ पकाना है। ये 6 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। हमने इसको 1/2 कुक ही रखना है, फुली कुक नहीं करना वरना आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसका फ्लेम ऑफ और इसको 10-15 मिनट्स तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। आलू ठंडे हो चुके हैं, उनको हमने एक बाउल में डाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम सीजनिंग, जिनमें है 1/2 टीस्पून से थोड़ा ऊपर सॉल्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर,
3 to 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा चावलों का आटा या राइस पाउडर। हाफ कप इसमें जाएगी चेडर चीज़ और ये थोड़ी सी कैप्सिकम और कैरेट्स, आप चाहें तो डाल लें चाहें तो स्किप कर दें। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ये हो गया है मिक्स। अब हम इसको शेप देंगे। ये इस साइज़ में और इस शेप में आपने इसको तैयार करके रख लेना है। इसी तरह से बाकियों को भी हमने शेप दे लेनी है। इतने मटेरियल से ये 6 हैश ब्राउन्स इस साइज़ में बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक फ्राइंग पैन में हमने ऑयल डालकर उसको गर्म कर लिया। अब हम इसमें हैश ब्राउन रखेंगे फ्राई होने के लिए। और हम इसको मीडियम टू स्लो हीट पर फ्राई करेंगे। इसको बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना। पहले हम इसकी एक साइड को गोल्डन कलर देंगे और फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। एक मिनट तक ये पकते रहे हैं। अब इनकी एक साइड बड़ी खूबसूरत सी गोल्डन हो गई है। हम आराम से उसकी साइड चेंज कर देंगे सबकी और 1 से 2 मिनट के लिए अब दूसरी साइड पर इसको मीडियम टू स्लो हीट पर पकाएंगे। दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत कलर उस पर आया है। अब हम इनको एक एक करके एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लेंगे और बाकी हैश ब्राउन्स को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये रेडी हैं मज़ेदार से हैश ब्राउन्स। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।